ये तो वही साइकिल है, ये तो वही है ना जो उस दिन तूने वो कचरा फेंका था मार के इसके ऊपर। ठीक कहा था तूने मुन्नी, छोटे गज्जू साहब बड़े सवाल पूछते हैं। कौन है तू और तू इसे गले क्यों मिल रही थी? हाँ गले क्यों मिल रही थी? क्यों बिट्टू है इसे बुरा ना समझ, थारी बुआ और यो एक दूसरे से प्यार करे हैं। कभी बताया नहीं इसके बारे में, प्यार करते हो वो छुपाते क्यों? प्यार करना तो अच्छी बात हो गया ना, क्योंकि यो प्यार हवेली में कोई ना समझेगा क्योंकि वहाँ पे प्यार को गलत मानते हैं। तो गलत चीज क्यों करते हो? प्यार करना गलत बात ना रे छोरे, प्यार पे बंदिशें लगाने वाले गलत हो गए हैं। प्यार कोई साजिश ना है जो सोच समझ के की जावे, और यो तो बस दो दिल के धड़कने की वजह हो गए जो बस हो जावे। हम प्यार को नहीं चुनते, प्यार हमें चुने हैं। तू घर जा। नहीं गज्जू किसी को? नहीं वो नहीं बताएगा, लेकिन तू वादा कर हमारे से कि तू हमेशा हमारे साथ रहेगा। वादा रहा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समझे जी, बधाई हो बधाई हो। बधाई हो लाडो, तारा रिश्ता पक्का हो गया है। बहुत अच्छा घराना है और छोरा भी बहुत चोखा है। प्रताप, अरे पैर में चक्कर बांध के नहीं दौड़ो। मुन्नी बुआ रोवे ना, बाऊ जी ने बिट्टू के बारे में ना बताया, पता चल गया ना तो ये रिश्ता तोड़ देंगे। मैं अभी जाकर बता के आता हूँ, तू बस यहीं रुक, रोवे ना। गज्जू रुक जा। अरे छोरे गज्जू, के बात है छोरे? बाऊ जी वो के बात है मुन्नी? बाबू जी उसको पता चल गया सेना कि आपने हमारा रिश्ता कहीं और वो तू तो खुश हो गई होगी ना, जो थारा बीजा मुझसे तो छूटने वाला है। जानती उसकी माँ की कह रही थी, अरे रिश्ते की बात सुन के ना इसका मुंह उतर जाएगा, थारे से गहरा गहरा संबंध है इसका। हैं? पगला हुआ, तू डरना, मैं थारे को मिलाऊंगा बिट्टू से। तो वो मुन्नी और बिट्टू को मिलवाना चाहते थे, फिर आपने मेरे बाऊजी पर इतने गंदे इल्जाम क्यों लगाए? इतने अच्छे तो थे वो। मुन्नी मुन्नी रुक जा, कहानी अभी खत्म ना हुई है। बता देने उसके बाद क्या हुआ काका, फिर क्या हुआ? उसके बाद बर्बादी हुई, तबाही हुई। गज्जू मदद तो करना चाहता था, लेकिन मासूमियत में और मुन्नी के प्यार में वही उनके प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। बुआ थारा बिट्टू, मुन्नी मुन्नी यहाँ पे हमारे प्यार को समझने वाला कोई ना है, ये लोग हमारे प्यार को कभी ना स्वीकारेंगे। मुन्नी तो फिर भाग चलते, भागने के अलावा अपने पास कोई दूसरा रास्ता ना है। हम कहीं दूर चले जाएंगे, किसी नए शहर में जाके एक नई जिंदगी बसाएंगे। शहर की भीड़ भाड़ में कोई भी तुझे और मुझे ढूंढ ना पाएगा। मुन्नी चल मेरे साथ। जा बुआ, रह लूंगा तेरे बिना।
तो बस क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता होगा। ध्यान रखना इसका, जो तूने इसे दुखी कराया तुम्हारे से बुरा कोई ना होगा, तुझे ढूंढ कर मारूंगा मैं। हाँ छोटे ठाकुर, अच्छे से ख्याल रखूंगा थारी समानत का। ये थारे लिए मैंने पैसे जमा किए थे, रख ले थारे शादी के वास्ते तोहफा समझ कर। मैंने अपने हाथों से काले लिए गुड़िया बनाई है, रख ले। क्या करते हो छोटे ठाकुर, इतना प्यार, अरे मारा प्यार ना कम पड़ जाए आपके आगे। ये राखी हमेशा के लिए, इसे हमेशा अपने पास रखना। कौन है यहाँ? ये तो सपन साहब की बहन लग रही है, ये किस छोड़े के साथ है? चलो सरपंच साहब को बताते हैं, चलो। इनसे गलती हो गई, बच्चे हैं, नादान है दोनों। आपको जो सजा देनी है मुझे दे दो, पर इनको छोड़ दीजिए आप। नहीं बाबूजी, मारे लिए आपको माफी मांगने की जरूरत ना है। मुन्नी ने और मैंने प्यार किया है, गुनाह नहीं। संस्कार वचन भूल जाए ना, उसे वापस सिखाया नहीं जाता। और इन दोनों ने भूलने का पाप किया है, और पाप की माफी नहीं। सरपंच हूं इस गांव का, सरपंच अपने गांव में गंदगी ना फैलने देंगे, फिर वो गंदगी थारा बेटा या हमारी भेड़ फैला। सजा दोनों को मिलेगी। हमारी बंदूक ना भैया, ना भैया, बिट्टू में छोड़ दीजिए। बिट्टू ने माफ कर दियो भैया, ना। Yeah, now!
उस भीड़ का हिस्सा थे। काश मैं उस भीड़ का सिर्फ एक हिस्सा होता। सरपंच जी, आपने क्या कर दिया है? बिट्टू ने मार दिया। मुझे वो उसे प्यार करती थी बाबूजी। आपने बिट्टू को कहाँ मारा? क्यों मारा बिट्टू को बाबूजी? मारा नहीं छोरे, इंसाफ किया है, इंसाफ। और इंसाफ अभी पूरा नहीं हुआ है। काका मतलब आप उस बिट्टू के? हाँ, मैं ही वो हवागा बाप हूँ जिसके इकलौते बेटे ने प्यार करने का गुनाह किया था। मेरी आंखों के सामने ही मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया। बाऊजी के बाद ये परंपरा तने ही आगे ले जानी है। बाऊजी से एक वादा कर चचू के इंसाफ की मिसाल तने अपनी आखिरी सांस तक जिंदा रखेगा। वादा कर। मैं सब करूंगा बाऊजी, लेकिन बुआ को छोड़ दो बाऊजी। बल्ले ही उन दोनों को भगाया था बाऊजी, छोड़ दो बुआ। गजू तने एक और मौका दे रहा हूँ अपनी बुआ को ये गाँव से भगाने का। थारी और थारी बुआ की एक गलती एक गांव में चीख बन के गूंजनी चाहिए, चीख। ले बंदूक हाथ में ले। बाऊजी मन्ने बंदूक ना चाहिए। बंदूक क्यों दे रहे हो बाबूजी? तने बंदूक इसलिए दे रहा हूँ कि न्याय करते वक्त थारा हाथ न कांपे। और ऐसा कभी भी होना तो इस दिन को याद कर लेना। तने थारे बाबूजी को दिया हुआ वचन याद आ जाएगा। नहीं बाबूजी नहीं। बंदूक पकड़। नहीं बाबूजी। पकड़। नहीं बाबूजी। एक गांव को दिखा दे तुम्हारा खून है। नहीं बाबूजी। इधर उंगली रख। नहीं नहीं। थोड़ा खींच, ऐसा खींच। नहीं बाबूजी। हाँ, प्राचित कर, प्राचित। खींच थोड़ा। नहीं। खींच। मुबारक हो, कितनी खूबसूरत बेटी हुई है। छोरी मुबारक हो बेटा। सरपंच, तन्ने एक तरफा फैसला किया है। हर युग में हर जमाने में प्यार को रोका गया है, लेकिन प्यार कभी रुका नहीं है। ये हवा में बहता है, हवा में। और कब सांस बंद करिए शरीर में दौड़ेगा किसी को पता नहीं लगता। ये सच्चे प्यार का खून है, तुम्हारा जन्म लेगा और यही तेरी मौत का कारण बनेगा। तेरी बर्बादी होगी इसी के द्वारा।
जिनका नाम तू लिख रहा ना दीवारों पर, मैं यही रहकर उसका इंतजार करूंगा। सरपंच याद रखना मेरी बात को, याद रखना तेरी बर्बादी होगी। काका फिर क्या हुआ? मुबारक हो सरपंच जी, चोरी हुई है हमारी चोरी। लक्ष्मी आई है। के नाम रखने की सोची है सरपंच जी? इसका नाम गज्जू, इधर आ, इधर आ, बैठो ने बैठ। ये देख तारी बहन आई है। देख छोरा, अब तू बड़ा हो गया है, इसके नाम रखने की जो जिम्मेदारी है ना वो थारी है। हैं? ये ले, पकड़ पकड़ थारी बहन को पकड़। ये ले मुन्नी। इसकी जिंदगी में ऐसे हालात ही ना पैदा होने दूंगा कि मुझे इसके खिलाफ बंदूक उठानी पड़े। इसकी जिंदगी में हर आने वाले तूफान का पहले मुझसे भिड़ना होगा। ये हमारी जान से भी प्यारी है, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगा हमारी बहन को। सरपंच जी, बस एक कुंडली में समस्या है। अब क्या समस्या है पंडित जी? अगर इसके 24 वर्ष पूरे होने तक सावधानी ना बरती गई तो वो दोष पूरे घर पे भारी पड़ सकता है, दवाई भी मच सकती है। सरपंच जी, आपको ऐसी फिक्र करने की जरूरत ना है। आज से मैं इसकी जिंदगी के सारे फैसले मैं ही लूंगा। यो कभी प्यार करने की भूल ना करेगी, क्योंकि मैं इसे इतना प्यार दूंगा कि कभी भी इसको किसी और की प्यार की जरूरत ही ना पड़ेगी। हम भाइयों के अलावा और किसी मर्द की परछाई भी ना पड़ने दूंगा इसके ऊपर मैं। उस दिन के बाद इस गांव को किसी की हाय लग गई। सरपंच मर गया, लोग गांव में छोड़कर जाने लगे, क्योंकि बारिश ने यहां बरसना छोड़ दिया, हवाओं ने अपना रुख मोड़ लिया। और एक दिन गज्जू और उसके भाई मुन्नी को लेकर किसी दूसरे गांव चले गए। मन ने फैसला किया कि मैं यहीं रुककर इंतजार करूंगा, क्योंकि मन ने पता था कि बिट्टू मुन्नी जरूर आएंगे। और बेटा, मेरा इंतजार खत्म हुआ। आखिर नियति ने तुम लोगों को दोबारा जन्म देकर यहां भेजी थी। काका कित चल दिए? अब तुम लोग आ गए हो ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम ठीक कर दोगे। कहीं एकांत जगह पर जाकर 25 सालों के बाद सुकून की सांस लूंगा। अपने बिट्टू को याद करके For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.